नॉलेज से एक इम्पॉर्टेंट है, नॉलेज से एक इम्पॉर्टेंट है कि रेपो रेट, रेपो इज द शॉर्ट फॉर्म, रेपो इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रीपरचेज रेट, रीपरचेज। कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि रीपरचेज मतलब, रीपरचेज तो एक टर्म हो गया ना, रेपो रेट तो चलो ऐसा था ना, चलो इनका मन करा इन्होंने रख दिया रेपो रेट, इट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स। नो, रेपो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम रीपरचेज, सो व्हाट आर वी रीपरचेजिंग और व्हाट इज द सेंट्रल बैंक रीपरचेजिंग, तो ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगेन नॉलेज से एक इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रांजैक्शन होती कैसे है कि कमर्शियल बैंक्स को अगर आरबीआई से पैसा चाहिए तो उनको सिक्योरिटीज देनी पड़ती हैं, उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, कुछ भी सिक्योरिटी देनी पड़ती है आरबीआई को, बिना सिक्योरिटी के पैसे नहीं मिलते। विद द कंडीशन कि थोड़े टाइम बाद वो उनको रीपरचेज कर लेंगे। आप हो आरबीआई, मैं हूं कमर्शियल बैंक, मुझे 500 करोड़ रुपए चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है दे देंगे 500 करोड़ रुपए, आप 500 करोड़ की सिक्योरिटीज दे हमें, आप 500 करोड़ की सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, हमें कुछ सिक्योरिटी चाहिए, तो मैं आपको 500 करोड़ की सिक्योरिटी दे रहा हूँ, आप आरबीआई हो, आपने मुझे फंड्स ट्रांसफर कर दिए, लेट अस अज्यूम 6 मंथ्स के लिए, तो क्या हुआ 6 महीने के बाद मैं आपसे वो सिक्योरिटीज रीपरचेज करूंगा, तो रीपरचेज करूंगा मतलब सिक्योरिटीज मुझे वापस करो, ये लो पैसे पकड़ो अपने, वो रीपरचेज एग्रीमेंट है। तो रेपो इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रीपरचेज, इट इज अ रीपरचेज एग्रीमेंट, तो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड होता है कि इतने टाइम के बाद आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो इसलिए शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए होता है रेपो रेट डिराइव फ्रॉम रीपरचेज।